एक मर्तबा ऐसा हुआ, उसने जो खुदाई का दावा कर बैठा ना, अना रब्बुकुमुल आला, वो ये कहता कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मैं तुम्हें पालता हूँ। पूरी रियाया उसके कब्ज़े में थी, तो सारे लोगों के खाने पीने के अखराजात सारी चीज़ें वो बादशाह संभालता, तो वो यूँ कहता कि मैं तुम्हारा रब हूँ, कोई और नहीं। अब इसकी सरकशी तुगयानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि फिरौन ने ख्वाब देखा, ख्वाब में उसने ये देखा कि एक सितारा आसमान से टूटकर उसके महल में गिरा और उसका महल उसकी आग से जल गया। ख्वाब में देखा था, वो घबरा गया, सुबह काहिनों को बुलाया पूछने के लिए ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। तो एक बड़े नजूमी ने कहा कि अनकरीब तुम्हारी सल्तनत में बनी इसराइल में से कोई एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को हिलाक कर देगा, तुम्हारी बादशाहत को ख़त्म करने का वही सबब बनेगा। तो उसने इस बात को यकीनी तौर पर ले लिया और फिर अमली तौर पर मैदान में यूं उतरा, ऐलान कर दिया कल से जो भी बच्चा पैदा होगा उसे ज़िंदा नहीं रखा जाएगा। लड़का पैदा हो तो कत्ल कर देता, लड़कियां पैदा हो तो ज़िंदा छोड़ देता, क्योंकि ख्वाब की ताबीर में नजूमियों ने यह बताया था कि कोई एक लड़का पैदा होने वाला है। कुरान में अल्लाह फरमाता युज़्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, बेटों को ज़बह कर देता था और बेटियों को छोड़ देता, खौफ था उसको। तो ये कत्ल का सिलसिला जारी रहा, जो भी लड़का पैदा हो जाए मार डालो। एक साल में उसने 12,000 बच्चों को कत्ल किया कि कहीं मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला कोई पैदा ना हो जाए। ये कुर्सी का गुरूर ही ऐसा होता है, कुर्सी का नशा ही ऐसा होता है, वो ये सोचता है कि मेरी सल्तनत को कभी जवाल नहीं आना चाहिए, कभी भी इसके अंदर पुराना पन्ना आए। इंसान जितना भी कोशिश कर ले, मौत से आज तक कोई जीत नहीं सका। जब ये बात मुसल्लम तौर पर मालूम है तो इंसान को गुरूर और तकब्बुर में नहीं, अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करते हुए आजिज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहिए। रब ताला के हुजूर तुम जितना अकड़ोगे उतना पकड़ोगी। और वही बंदा अगर मौला की बारगाह में ये कहे, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको जिनको अल्लाह ने कुल कायनात का इख्तियार दे करके भेजा और ख़जाने पूरे आपको देकर भेजा, वो रसूल जब अल्लाह की बारगाह में यूँ कहते हैं कल्लत हीलती, ए मौला मेरे पास असबाब कुछ भी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में जब ये कहते थे ज़ुअफ कुव्वती व हवानी अलन्नास अश्कु इलैका या अल्लाह, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में यूँ अर्ज़ करता हूँ कि मैं कुव्वत में बहुत कमज़ोर हूँ, लोगों में मैं लोगों पर मेरी ताकत नहीं, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा ताकत दिया है। ये हमारे लिए दर्स था नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि बंदे को चाहे कुछ भी मिले वो मौला के हुजूर अकड़ और गुरूर न दिखाए, वरना औंधे मुँह गिरा दिया जाएगा। फिरौन यही चाहता था कि कोई मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला ना आए। 12,000 बच्चे कत्ल हो गए, लेकिन मौला को जो करना है वो होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। वो साल ऐसा था कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हामिला थी, हमल से थी। अब ये बनी इसराइल के हैं मूसा अलैहिस्सलाम, जब विलादत का वक्त करीब आया तो उनकी माँ डरने लगी, क्या होगा अगर लड़का हो गया मुझे तो फिरौन के फौजी कत्ल कर डालेंगे। तब अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात इल्का की। इल्का कहते हैं गैब से अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ हिदायत में मिल जाना। आपके दिल को भी अल्लाह ने इतना पावरफुल बनाया है कि ये सच और झूठ को खुद पहचान सकता है, बग़ैर किसी के सिखाए भी कुछ चीज़ें वैसे ही मालूम हो जाती हैं। तो समझ लेना ये मिन जानिबिल्लाह अल्लाह की तरफ से मिली हुई हिदायत है। बस औकात आप भी देखते होंगे कई मर्तबा ऐसा कि आपको डिसीज़न लेना रहता है, आपको तजुर्बा नहीं फिर भी आप सही डिसीज़न ले लेते हैं, ये किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से मिलती हिदायत। दिल को अल्लाह ने ये ताकत दी है। और इल्का जो कहते हैं वो अल्लाह अपने महबूब बंदों को औलिया को गैब से दिल में बांट डालता है। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ तहखाने में चली गई, नीचे अंडरग्राउंड। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, पैदा हुए, तो अब और खौफ हुआ कि लड़का ही हुआ है।
उनकी मां डर गई, छुपाने लगी, क्या करें अब, क्यों चूंकि फिरौन की पुलिस हर जगह घूमती रहती थी, कहां कौन पैदा हुआ क्या है, तो ये खौफ करने लगी। तो अल्लाह ताला ने दिल में और एक बात डाली, वह औना इला उम्मी मूसा अन अर्दी फैदा खिफ्ती अलैहि फअल्क़ीहि फिल यम, ए मूसा की माँ दूध पिला दे, और डर लगता है अगर फिरौन से, एक संदूक में रख करके पानी में बहा दे। मूसा अलैहिस्सलाम का जो वतन है वो मिस्र, जहाँ तक तारीख में बताया जाता है, दरियाए नील में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक पेटी में रखकर, संदूक में रखकर लकड़ी के बहा दिया। कौन माँ ये कर सकती है पैदा शुदा बच्चे को, लेकिन रब की तरफ से उन्हें हिदायत मिली, बहा दिया। अल्लाह फरमाता है, वह असबह फुआद उम्मी मूसा फारिगा इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर रबतना अला कल्बिहा लितकून मिनल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है, सुबह के वक्त मूसा की माँ का दिल बहुत बेचैन हुआ, और अगर हम उसके दिल को तसल्ली और ढारस ना देते तो फिर वो घबराहट की शिकार हो जाती। फिर हजरत मूसा की माँ उनकी मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन उन अपनी बेटी को कहती हैं कि देखो बेटी, तुम ये संदूक देखते जाना कि कहाँ जा रहा है, बहा तो दिया है मैंने, मुझे ऐसे इशारे मिल रहे हैं अल्लाह की तरफ से, मैंने पानी में छोड़ तो दिया है, ज़रा देखती हुई चली जा कहाँ जा रहा ही है। वकालत ली उख्ती ही कुस्सी ही, पीछे पीछे चलो। अब वो देखती हुई चली गई उनकी बहन, ये संदूक बहते 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 फिरौन के महल के किनारे जाकर लग गया। फिरौन का महल और उसका बगीचा उस दरिया से लगा हुआ था। जाहिर सी बात है, बड़े लोग सी व्यू बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं रहने के लिए, सी फेस चाहिए हमको समंदर के करीब, ताकि डूबने के लिए आसानी हो। फिरौन भी नदी के किनारे अपना बंगला बनाया हुआ था और महल उसका वहीं था बगीचे में। इत्तेफाक देखें कि फिरौन को औलाद नहीं थी, बच्चे नहीं थे। फिरौन की बीवी आसिया वो अपनी कनीजों के साथ टहलने के लिए बगीचे में आई, तो ये संदूक बगीचे के किनारे लगा हुआ है, निहायत ही हसीन और जमील बच्चा उसमें खेल रहा है, जिसे किसी चीज की परवाह नहीं, फिक्र नहीं। फिरौन की बीवी थी आसिया, कहा कि ये क्या बहके आया है, उठा लाओ। उठा करके लाई तो बहुत ही हसीन और जमील बच्चा था, तो इनको ऐसा लगा कि इसे ले लेना चाहिए, तो वो लेकर के अंदर आई और फिर फिरौन के पास ला करके बताती हैं कि एक बच्चा बहता हुआ आया है। तो उसे पहले से टेंशन था, उसने कहा कहीं ये बच्चा तो नहीं जो हिला करने वाला है। कहा नहीं, ये तो पता नहीं नदी में बहता हुआ कहीं से आया है। वो कालत इमरअतु फिरौन कुर्रतु ऐनी ली वलक, हे फिरौन मारो मत इस बच्चे को, तेरी और मेरी आंखों की ठंडक बन सकता है, हम बेटा बना लेते हैं। ऐसा अन्नत्तखिदहु वलदा, इसको हम बेटा बना लेते हैं। फिरौन बेगम की मोहब्बत में कहा ठीक है, जैसा आप कहती हैं बेटा बना लेते हैं। बेटा बना करके रख लिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम को कौन, फिरौन ने अपने घर में अपने शाही महल में अब रखा। और उसके बाद अब दूध पिलाने की बात आई। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन देख रही थी सारी चीज़ें कि अब मेरा छोटा भाई नन्ना भाई उठा लिया गया है, महल में जा चुका है, अब क्या होगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कैफियत देखें, दूध पिलाना भी तो है बच्चे को, परवरिश करना है, तो किसी का दूध पकड़ ही नहीं रहते। बड़ी बड़ी दायाएं बुलाई गईं, बादशाह ने खूब इनाम देने का वादा किया, बड़ा अजर देने का वादा किया, बहुत सारी दायाएं आईं। मूसा अलैहिस्सलाम दूध नहीं पी रहे थे, तो उनकी बहन देख रही थी, उसने कहा कि मैं एक ऐसे घर को जानती हूँ, वो दाया का दूध शायद ये पी ले। कहा ठीक है ले आओ, सबको तो हमने बुलाया। वो जल्दी गई और अपनी माँ को लेकर के आई, अपनी माँ को ले आई और कहा ये भी अच्छी दाया है, बच्चे इसका दूध पी लेते हैं। तो उनकी माँ मूसा अलैहिस्सलाम की माँ फिरौन के महल में आई, मूसा अलैहिस्सलाम को उठा करके जैसे उन्होंने दूध पिलाया पीना शुरू कर दिया। फिरौन ने कहा सही निशाना लगा, अब इसको मुंह मांगा इनाम भी दिया जाए।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को उजरत भी दे रहा था और परवरिश के खर्चे भी और इनाम भी। यह है मेरे रब की कुदरत का शाहकार। जब वो किसी की हिफाजत करना चाहे तो गुलाब को जिस तरह कांटों में रख करके बचाता है, इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने। अब ये देखें, ऐसी अगर देखना है किसी चीज़ को अल्लाह बचाता है किस तरह से, तो दांत हमारे जिस्म में हैं, हमारे मुंह में हैं, किसी को काटो तो कैसे कट जाए, हर चीज़ इससे कट जाती है, खाने पीने की चीज़ें, प्लस अगर किसी दूसरे का हाथ काटना चाहें तो भी काट सकते हैं। लेकिन साथ ही इन्हीं 32 दांतों के बीच में एक नरम और नाजुक जुबान रहती है, कभी उससे नहीं कटती, कभी नहीं कटती। बुजुर्गों ने फरमाया ये भी रब तबारक तआला की कुदरत का शाहकार तुम्हारे मुंह में है कि जुबान 32 के बीच में रह करके भी कभी कटती नहीं जल्दी उनसे। क्यों? अल्लाह तबारक तआला का ये कुदरती निज़ाम है कि वो सख्त गिर लोगों के बीच में भी नरम लोगों की हिफाजत कर लेता है। ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में रखा गया, उनकी माँ का दूध पी रहे हैं, किसी और का नहीं। अब फिरौन के घर में इनकी परवरिश होती रही बड़े नाज के साथ। अल्लाह फरमाता फरददनाहु इला उम्मीही, हमने मूसा को वापस उसकी माँ तक लौटा दिया। हाँ कई तकर्र ऐनुहा, ताकि फिरौन की आँख की ठंडक नहीं उनकी माँ की आँख की ठंडक हो जाए। ولتعلم ان وعد الله حق, और ताकि ये मूसा की माँ जान ले अल्लाह जो वादा करता है वो बिल्कुल हक होता है। वइन्ना रादूहु इलैकि वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, अल्लाह फरमाता है कि मूसा की माँ घबराई हुई थी पहले बच्चे को डालूं कि नहीं डालूं, अब अल्लाह फरमाता है हमने तुझे तेरा बच्चा सही सलामत लौटाया और अल्लाह फरमाता है हम उसे रसूलों में से बना देंगे। अल्लाह की ज़ात पर यकीन करने वाले को अल्लाह बेहिसाब अता करता है, बेहिसाब अता करता है। यहाँ यही तो बात, अब चलो हम बच्चों को नहीं डालेंगे समंदरों में नदियों में, रब ताला फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में एक दिरहम खैरात करे मैं उसे 700 गुना बढ़ा कर दूंगा। ये कुरान पाक में, वो माएँ थी रब के हुक्म पर बच्चे डाल दी। आज एक सिक्का नहीं डाल सकते तो फिर कौन सा हमारा ईमान है, कौन सा यकीन है हमारे अंदर? हमारे पास माल की मोहब्बत, औलाद की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे सामने से झोलियाँ घूमती रहती हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता इल्ला माशाल्लाह, चंद लोगों को छोड़कर मैं कह रहा हूँ। और वैसे ही हम अपनी पेट की गलाजत निकालने के लिए बाहर खूब पैसे भी देते हैं, हर जगह हम देते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर यकीन क्यों कम है हमारा? इन्वेस्ट हर जगह जैसे करते हैं, इसमें भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कोई चीज़ें अमानत दे दो, वो अल्लाह ऐसे तुम्हें लौटाएगा। दुनिया में खुद उसने फरमाया मूसा की माँ अगरचे घबरा रही थी बच्चा समंदर में बहाने से, हमने उसके दिल को तसल्ली दी और ऐसी जगह उसे लौटाया कि बेटा तो लौटाया ही लेकिन फिरौन की तरफ से खूब इनाम भी अता करवाया, उजरत भी अता करवाया, सारी चीज़ें हैं। मेरे अजीज़ और रब ताला की ज़ात पर यकीन रखो। अब परवरिश हो रही थी मूसा अलैहिस्सलाम की, एक साल के कुछ हुए थे, एक साल में चलने फिरने लगे, थोड़ी बहुत बातें होने लगी, तो फिरौन और आसिया बैठे हुए थे दस्तरखान पर, तो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के करीब जाकर जोरदार तमाचा मार दिए, छोटे से थे, गाल पर जैसे ही पड़ा हाथ, आज तक इस बादशाह को किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा था, और एक बच्चे ने मार दिया, कहा ए आसिया मुझे तो लगता है यही बच्चा है जो मेरी सल्तनत को हिला करने वाला, यही बच्चा लग रहा है। आसिया ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो छोटा है, ना समझ है, बच्चे इस तरह से प्यार में करते हैं। कहा नहीं ये प्यार में नहीं किया है, इसके थप्पड़ की जो जर्ब है मुझे अलग लग रही है, इसकी मार इसका जाहिर सी बात है किसी को पड़ती है तो पता चलता है कि मोहब्बत में मारा है कि नफरत में मारा है। यकीनन वो अल्लाह के नबी थे मूसा अलैहिस्सलाम, जानते थे, और नबियों में अगर देखा जाए तो वो जलाली पैगंबर हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हो भी सकता है कि उन्होंने फिरौन को पहचान के ही मारा हो, लेकिन
परवरिश का मामला था। अब आसिया और फिरौन की तकरार होने लगी, वो बार बार कहता रहा ये बच्चा जानबूझ करके मारा है। आसिया ने कहा नहीं देखो इसको अभी मालूम नहीं है, ऐसा करते हैं इसका टेस्ट लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं इसका जानकार है कि नहीं। एक बर्तन में आसिया ने फूल मंगवाए और एक बर्तन में आग मंगवाए, सुर्ख लाल रंग के आग के कोयले जल रहे थे, दोनों बर्तन रखे गए फिरौन को दिखाने के लिए। आसिया ने कि अगर यह बच्चा समझदार है तो फूल उठाएगा और नहीं समझता है तो आग उठाएगा, क्योंकि बच्चे उमूमन लाल चीज को पसंद करते हैं, आग की तरफ हाथ बढ़ा देंगे। तो दोनों जब रखे गए, मूसा अलैहि सलाम जबकि अल्लाह के नबियों को अल्लाह ताला माँ के पेट से ही समझ अता करता है, उनको कोई इस चीज सिखाने की जरूरत नहीं होती। जब दोनों चीजें रखी गई तो हजरत मूसा अलैहि सलाम को कहा गया उठाओ इसमें से कुछ, वो आगे बढ़ते आए तो फूल तो उठाना ही था जो समझ है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को भेजा, ए जिब्राइल जाओ मूसा का हाथ आग में डालो। मूसा अलैहि सलाम का हाथ पकड़ करके जिब्राइल अमीन अलैहि सलाम ने आग के बर्तन में डाल दिया। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने आग का कोयला उठाया और मुंह में रखा जिससे जल गया थोड़ा। यह सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला उस जालिम को मात देने के लिए, शिकस्त देने के लिए, कि उसकी समझ पर पर्दा डालने के लिए। और अल्लाह जब चाहे किसी की भी बसारत को खत्म करते हैं, अकल को खत्म करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं खुली होती हैं, लेकिन अल्लाह जब समझ छीन लेता है तो वो समझ में भी नहीं आती। तो फिरौन ने कहा हाँ ये तो बच्चा बड़ा ना समझ है, आग और फूल को नहीं पहचानता, तो हो सकता है गलती में ऐसी मोहब्बत में मारा होगा। उसके बाद मूसा अलैहि सलाम ने जो आग अपने मुंह में रखी थी उसकी वजह से आपका मुंह जला था, जिंदगी भर थोड़ी सी आपको उसकी तासीर बाकी रह गई, यानी ततलाहट अकलाहट। खुद हज़रत मूसा अलैहि सलाम के अल्फाज में कुरान में है रब्बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। हज़रत मूसा अलैहि सलाम दुआ किया करते थे। खैर अब जब जवानी आई मूसा अलैहि सलाम की, महल में परवरिश होकर जवान हुए, उनकी माँ ने उन्हें सब बता दिया कि हम बनी इसराइल से हैं, इस तरह से तुझे मैंने पाला है और अल्लाह का तेरे ऊपर एहसान है। मूसा अलैहि सलाम पर रब ताला की मोहब्बत गालिब आती गई और उसके बाद वो फिरौन के महल से निकले। फिरौन को कुछ अंदाज़ा सा होने लगा, हल्की हल्की बातें मैं देखता हूँ, जब कभी कोई घर में बच्चा अलग फिक्र ले लेता है तो वालदेन को मालूम होने लग जाता है एक्टिविटीज़ से। तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम एक दिन शहर के बाहर आए, देख रहे थे एक फिरौन के ख़ानदान वाला और एक मूसा अलैहि सलाम के ख़ानदान वाला दोनों लड़ रहे थे, एक बनी इसराइल और एक कौम अमालका से, यानी फिरौन के ख़ानदान वाला जो था दोनों लड़ रहे थे। فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ اللہ فرماتا یہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والا پکارا اے موسیٰ دیکھو یہ فیرونی ہے مار رہا ہے، فوجیوں میں سے تھا فیرون کہ مجھے مار رہا ہے بچا لو بچا لو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے بھرے جوان تھے، چھوڑایا تو وہ فیرونی کچھ اکڑ دکھا رہا تھا۔ فَوَقَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ اللہ فرماتا ایک گھونسا آپ نے لگایا وہ مر ہی گیا، وہ فیرونی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ اپنے ایک گھونسے سے وہ سامنے والا مرا تو احساس کیا، قال ھذا من عمل الشیطان ارے یہ تو غلط ہو گیا ہے، انہ عدو مضل مبین، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ مجھ سے یہ چیز ہو گئی ہے تو معاف فرما دے۔ یہ جو کام ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، آپ نے چھڑانے کے لیے مارا تھا وہ مری گیا۔ حدیث پاک میں قیامت کے دن، قیامت کے دن ساری مخلوق جو شفاعت کے لیے گھومے گی نا، آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، سب انبیاء کیا کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پوری قوم آئے گی تب آپ کہیں گے اے لوگو میرے ہاتھ سے ایک آدمی مر گیا تھا، اگر میں تم سب کی سفارش کروں اور اللہ مجھ سے وہ کام پوچھ لے کیوں کیا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے میں سفارش نہیں کروں گا جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چیز کو یاد کریں گے،
हमारे तो कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या हैं। उन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से कोई गुनाह हो नहीं सकता, जो हुआ वो भी अल्लाह की मर्जी से हुआ, उसके बावजूद उन्हें खौफ इतना है, पता नहीं रब ताला हमारे साथ क्या करेगा कयामत के दिन। और यहाँ चोरी भी है, मक्कारी भी है, अय्यारी भी है, अय्याशी भी है, 70 गुनाह हैं, लेकिन खौफ है कि वही एक गायब है, कि अल्लाह के हुजूर हमारे बारे में क्या सवाल होगा, ये खौफ गायब है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मार दिया, वो मर गया, पता नहीं चला किसी को। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूसरे दिन उसी जगह पर जा रहे थे, आज फिर उनके खानदान वाला किसी और से लड़ रहा था, फिर आज किसी से लड़ रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, गलती तो इसी के अंदर लगती है, कल इसी ने जो है मुझे मदद के लिए बुलाया और मैं खाम मखा उसको मारा तो मर ही गया, अब इसके आगे बढ़ने लगे आप मूसा अलैहिस्सलाम। फिर आज वो मदद के लिए पुकारने लगा तो कहा, मदद नहीं, अब मैं तेरा ही काम करता हूँ। अतुरीदु अन तक्तुलनी कमा कतलत नफ्सन बिल अम्स, वो चिल्लाने लगा, ए मूसा कल जैसे तुमने एक को मर्डर किया है आज मुझे मारोगे, और उनसे बच बचा कर भाग गया। कहाँ गया? सीधे जाकर फिरौन के महल में सब बता दिया। मूसा जो है बनी इसराइली हैं और मैं भी बनी इसराइल का हूँ, ये कौम ही ऐसी है बनी इसराइल, धोखेबाज, दगाबाजी इनके अंदर, आज जो यहूदी हैं वो उसी में से। जा करके उसने बताया, मूसा ने कल एक फिरौनी को मारा है और आज मुझे मारने आ रहे थे। तब फिर जो है फिरौन ने कहा, मूसा को गिरफ्तार करके ले आओ। तो एक मूसा अली सलाम का दोस्त था, साथी था, अच्छा था, वो आ करके मूसा अली सलाम से कहता, ए मूसा, फिरौन का पूरा लश्कर तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहा है, तुम जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। इन्नी लका मिनन नासिहीन, मैं तुम्हारे लिए भलाई का खास्तगार हूँ, निकल जाओ जल्दी। मूसा अलैहिस्सलाम उस दिन से वो शहर छोड़कर निकल ही गए। बहुत दूर सफ़र किया आपने, सफ़र इतना लंबा कि मदाइन पहुँच गए, एक दूसरा शहर। मदाइन ये मुल्के शाम में भी बताया जाता है, इराक में भी, वल्लाहु आलम जहाँ पर भी। आप वहाँ पहुँचे तो वहाँ का एक वाक्य अल्लाह बयान फरमाता है, एक कुएँ पर बहुत सारी लोगों की भीड़ थी, मूसा अलैहिस्सलाम देखते खड़े थे, प्यास थी, तो वहाँ पर एक दो लड़कियाँ, जवान लड़कियाँ पीछे खड़ी थीं। ये जा कर के उनसे पूछते हैं, क्या हुआ? काल मा खतबुकुमा, कालता ला नस्की हत्ता युस्दिर रिआ व अबूना शेखुन कबीर। कहती हैं, हम पानी लेना चाहते हैं, भीड़ भाड़ की वजह से नहीं ले पा रही, और हमारे बाप बूढ़े हैं, उम्र दराज हैं, और हम पर्दे की वजह से इस भीड़ में नहीं जा रही। मूसा अलैहिस्सलाम जवान ताकतवर थे, आपने डोल डाला और उन दोनों को पानी निकाल करके दे दिया। ख़वातीन की मदद इस्लाम सिखाता है, औरतों की मदद अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के आमाल से ये मिलती है। जब उन्होंने पानी लिया तो कहने लगी, चलो हमारे बाप के पास हम आपको कुछ उजरत दिला देंगे, तुम मुसाफिर लगते हो, तन्हा आए हो। मूसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे चले, वो दोनों लड़कियाँ अपने घर ले आईं। तो उनके घर पहुँचने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ जिनको अपना बाप बूढ़ा बता रही थीं, वो दर हकीकत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के नबी थे, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे, उनकी उम्र हो चुकी थी। मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपना पूरा वाकया बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे मैं फिरौन से बच करके आया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पास रहो, यहीं पर रह जाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत करता हूँ। अब उन बच्चियों ने कहा, लड़कियों ने, कि इसको कुछ उजरत दे दें अब्बा जान, इसने पानी निकाल करके दिया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं, उजरत दूँ? उजरत पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी दो बेटियों में से किसी एक को निकाह में दे दूँ। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से निकाह करवा दिया। ये हुई आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी शुरू हुई। लेकिन मेहर क्या रखा आपने? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि खाली हाथ आए थे, कुछ माल लेकर नहीं आए थे, तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी बेटी का निकाह तो कर रहा हूँ, मेहर देना पड़ेगा तुम्हें। कहा, क्या दूँ? कहा, मेरा बागीचा है, उस बागीचे की खिदमत करो, 8 साल खिदमत करना, तुम्हारा मेहर होगा। अला अंतअजुरनी थमानिया हिजत फ़ैन अतममत अशरन फ़मिन इंदिक, और अगर 10 साल करते हो तो ये तुम्हारी तरफ से।
हजरत मूसा अलैहि सलाम तैयार हो गए, यहाँ तो महर माफ़ करा लेते हैं। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का महर 10 साल खिदमत करने के बाद पूरा होता है। महर तो ये कानून खुदावंदी है, अल्लाह का कानून है। इसमें जो भी जेरो जबर करने की कोशिश करता है वो दर हकीकत जिना की ख्वाहिश करता है। जिसने भी महर को इस तरह से डावा डोल रखा उसने अपनी बीवी के साथ जिना ही किया। यह हदीस पाक से साबित है। महर या तो इतना बांधो कि फौरी अदा कर सको, या तो फिर अगर हो सके तो कमा करके देने की। और जैसे कि एक सिंपल सी बात है, औरतों को आज हमारे यहाँ रिवाज है सोना देते ही हैं शादी में, तो जो जेवर दिया जा रहा है उसी को महर क्यों नहीं बना लेते, ताकि वो औरत का ही हो जाए उसके महर में लिया हुआ। और यहाँ दूल्हा देता है 6 महीने के बाद फिर अपने बिजनेस में लगाने के लिए फिर उधार ले लेता है। बीवियों का सोना लेकर गिरवी जो लोग रखते हैं निहायत ही नहुसत का काम है। यूं समझ लो कि उनके उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये कभी मत करो। हमारा अपना एक फकीराना मशोरा है, मेरा एक फकीराना मशोरा कि कभी भी अपनी तिजारत में औरतों के माल लेकर ना करो, इसलिए कि तुम्हारी इन तमाम चीज़ों की बरकतें उठा ली जाएंगी, क्योंकि वो बा दिले नाखास्ता देती हैं। यानी उनकी पोजीशन ये होती है कि अगर ना दें तो क्या करें, उसके अलावा चारा क्या है। मेरे अजीजों, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, कुव्वत अता की है, हाथ अता किए हैं, कमाओ और खुद भी खाओ और उन्हें भी खिलाओ। इसमें सवाब भी है और बरकत भी है, खुशहाली भी है। हजरत मूसा अलैहि सलाम 10 साल खिदमत किए उनके बगीचे में, उसके बाद अपनी बीवी को लेकर निकले कहां, फिर वापस मिस्र आने के लिए। अब देखते हैं फिरौन की क्या हालत है, चलते हैं। मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा जाओ, अब तुम फिर दोबारा मिस्र जाओ। हजरत मूसा अलैहि सलाम निकले। अब बीच में रास्ते में देखिए, नबूवत आपको जब दी गई थी उसका वाकया अल्लाह फरमाता है, आग लेने के लिए मूसा अलैहि सलाम पहाड़ पर गए थे तो अल्लाह ने आपको नबूवत का ताज पहनाया, रिसालत भी अता की, नबी भी हैं आप, रसूल भी हैं। अब फरमाया दो चीजें अल्लाह ने मोजजे के तौर पर दी। हजरत मूसा अलैहि सलाम एक लकड़ी लेकर के चलते थे हमेशा। अल्लाह ने पूछा, ए मूसा ये तुम्हारे हाथ में क्या है। वमा तिल्क बियमीनिक या मूसा। हजरत मूसा कहने लगे, قال هي عصاي, ऐ अल्लाह ये मेरा असा है, इसको लेकर चलता हूँ। व अहुश बिहा अला गनमी, बकरियाँ इससे हाँकता हूँ। व अतवक्का अलैहा, और कभी टेक लगा लेता हूँ, और भी बहुत सारे काम इस लकड़ी से करता हूँ मैं। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है ज़मीन पर उसे डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर छोड़ दिया तो वो खौफनाक सांप बन गया, अज़्ज़ा बना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पीछे हट गए। रब ने फरमाया, قال لا تخف, डरो मत, खुद हा, पकड़ लो उसको। उस सांप को जैसे ही आपने पकड़ा फिर लकड़ी हो गए। ये मूसा अलैहि सलाम का मोजज़ा था, अल्लाह ने आपको ये दिया। और फिर दूसरी चीज क्या दी हजरत मूसा अलैहि सलाम को, कि आप जेब में हाथ डालते और फिर जब हाथ बाहर निकालते आपकी हथेली इतना चमकती कि रात भी उजाला हो जाए, यानी हीरे से ज्यादा चमक, जिसको कहते हैं यद बैदा। हजरत मूसा अलैहि सलाम के दो मोजज़े थे, यद बैदा और ये असा, असाए मूसा। अल्लाह ने फरमाया, अब ये लेकर के चलो। हजरत मूसा अलैहि सलाम मिस्र में आए, फिरौन को भनक लगी। हजरत मूसा अलैहि सलाम पहले उसको कहते हैं, देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ, तुम जो लोगों की इबादत करवाते हो अपने लिए इसको ख़त्म करो और उस रब पर ईमान लाओ जिसने तुझे भी पैदा किया मुझे भी पैदा किया। फिरौन ने कहा, मूसा तू मेरे घर में पला है, देखते नहीं मैं बड़ा रब हूँ सबका, मैं कब से पाल रहा हूँ, तुम ये कौन सी चीज़ लेकर के आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दावत जारी रखी तो फिरौन ने कहा, तुम्हारे हक होने की क्या अलामत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे अल्लाह ताला ने गैब से कुछ ताकत अता फरमाई, मैं वो तुझे दिखाऊंगा। फिरौन ने कहा, ऐसी तो ताकतें मेरे पास बहुत हैं। कहा, ले आओ तुम्हारी जितनी ताकतें जमा करो, मेरे मुकाबले में सबको ले आओ।
फिरौन ने अपने जमाने के सारे जादूगरों को जमा किया, कहा मूसा का मुकाबला करना है। सब जादूगर आए, बड़े बड़े जादू करने वाले। जादू क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये हक है, कुरान में इसका जिक्र है, जादू होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं इस पर बिलीव नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता, है कुरान में इसका जिक्र है। जादू दर हकीकत नजरबंदी को कहते हैं, यानी किसी भी चीज को छुपा करके पेश करना लोगों के ऊपर। यानी मिसाल के तौर पर ये माइक की डंडियां हैं, अभी अगर जादू करने वाला कोई ये कहे थोड़ी देर आंख बंद करके खोलो तुम्हें ये फूलों की डंडियां नजर आने लगे, हकीकत में वो अंदर से यही होती हैं, लेकिन ये तुम्हारी नजरों को धोखा दिया जाता है। जादू दर हकीकत शैतानी इल्म में से है, तो शैतान की पूजा करने वाले जादू करते हैं, आज भी होता है। तो वो सारे जादूगर आए मूसा अलैहि सलाम के मुकाबले में, एक मैदान में सब जमा हुए। मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया तुम क्या दिखाना चाहते हो? तो वो छोटी छोटी रस्सियां लेकर के आए थे। कहा क्या है मूसा, हमारे पास बड़ी ताकत है, हम बहुत सारी चीजों की हकीकत बदल देते हैं। कहा ठीक है दिखाओ। उन्होंने अपनी रस्सियां मैदान में डाली तो सबके सब वो सांप बन करके लौटने लगे। इतने सांप के मैदान भर गया, सबके पास जो जो रस्सियां थी। अब मूसा अलैहि सलाम को रब ने फरमाया ए मूसा तुम अपना आसा भी डालो, अपनी लकड़ी डालो। मूसा अलैहि सलाम अपना आसा डालते हैं, ये बड़ा अजदा मुंह खोला, वो सारे सांप के बच्चे चले गए मुंह में, सब निकल गया वो एक ही सांस में, सब खा गया। पकड़ लिया आपने, कहा और डालो, और कुछ है? तो वो सब कांपने लगे। इसलिए कि तफसीर में बुजुर्ग फरमाते हैं मुफस्सिर शहीर अहमद यार खान अईमी रहमतुल्लाह अलैह, उनको मालूम था रस्सियां खा गया और थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो हमको भी खा सकता है। जल्दी से उन्होंने कहा आमन्ना बि रब्बी हारून व मूसा, हम ईमान लाए हारून और मूसा के रब पर, हम तुम्हें अल्लाह का नबी मानते हैं। नहीं, मुकाबला नहीं करना है। फिरौन जिनको मुकाबिल में लाया था वो सब के सब मूसा वाले हो गए, मूसा अलैहि सलाम की तरफ आ गए। क्यों? जानते हैं फन वाला हकीकत को जानता है, जादू करने वाला जादूगर के सामने ही हो तो दोनों को मालूम रहता है। लोगों को हम बेवकूफ बना सकते हैं, इधर एक जादूगर है उधर एक जादूगर है, दोनों चीजों को अलग अलग करके दिखा रहे हैं, लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन जादूगर को तो मालूम है ये चीज क्या है। लेकिन यहां जो मैदान में हो रहा था, जादूगरों ने रस्सियां जो डाली थी उनकी नजरों में तो रस्सियां थी, पब्लिक को नजर आ रहा था सांप, लेकिन मूसा अली सलाम ने जो असा डाला था वो जादूगरों की नजरों में भी सांप ही बना हुआ था। यानी मौजजे और जादू में फर्क यह है, जादू नजरबंदी को कहते हैं और मौजजा हकीकत की तब्दीली को कहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारका से हाथ से जो पानी निकला ये हुजूर का मौजजा है या नहीं? ये सिर्फ आंख बंद करने का काम नहीं था, नजरबंदी नहीं थी, बल्कि जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने पानी पिया भी, अपने जानवरों को पिलाया भी। मौजजा जो होता है वो रियल होता है और जादू सिर्फ नजरबंदी। अब मियां बहुत सारे जादूगर आपके पास आते हैं, क्या देखना चाहते हैं आप, क्या देखना चाहते हैं? तो डब्बा हिला करके सोने का सिक्का निकाल के दिखाएं, निकल जाता है, यूं टक टक मारे चांदी का सिक्का, हमने भी बचपन में देखा है। अब ये दिमाग में आता है क्या ताकत है इसके पास, चांदी कभी भी निकाल सकता है, सोना कभी भी निकाल सकता है, फिर रोड पे भीख भी मांगता है, ये कैसी जादूगरी है? वो रोज अपने लिए एक एक सोने का सिक्का निकाल क्यों नहीं लेता, खुद ही अपना महल क्यों नहीं बना लेता? इसीलिए कि मालूम है वो हकीकत नहीं होती, वो सिर्फ लोगों की नजरों का धोखा होता है। भाई वो गिलास में से कबूतर निकालते हैं, होता है देखे होंगे आप, बहुत सारे मैजिशियन कभी कुछ निकालें कभी मुर्गी निकालें, ये भी देखा गया है। अब बाज़ाब्ता स्कूलों में कॉलेजों में इसका रिवाज बन गया, मैजिशियन को बुलाते हैं जादूगर को, उसके पास कुछ होता नहीं लेकिन वो कहीं से भी कबूतर निकालता है मुर्गी निकालता है। तो दिमाग में क्यों चीज़ नहीं आती आपको, ये कहीं बैठ करके मुर्गियां निकाल निकाल के एक फार्म तैयार क्यों नहीं कर लेता, कम से कम मुर्गियां बेच करके तो घर चलेगा इसका, कबूतर उड़ा उड़ा करके कुछ पैसे कमा लेता। नहीं, वो जो चीज दिखाता है वो नजरबंदी, हकीकत नहीं होती।
मूसा अलैहि सलाम पर सारे ईमान लाए, फिरौन का गुस्सा और तेज हुआ, उसने कहा अब हम मार देते हैं। लेकिन अल्लाह का अजाब फिरौनियों पर आया, कई तरह के अजाब आए। अल्लाह तबारक ताला ने आखिर में, मैं आखिरी की तरफ आता हूँ, मूसा अलैहि सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम अपने ईमान वालों को लेकर निकल चलो मिस्र के किनारे तूरे सीना की तरफ। हजरत मूसा अलैहि सलाम निकले अपनी फौज को लेकर, बीच में समंदर आता है, अल्लाह ने हुक्म फरमाया अपना असा इस पर मारो। एक लकड़ी है, काम कितने करती है, क्या क्या काम है, सारे लोगों से मुकाबला भी इसी का काम है। अल्लाह के नबियों के हाथ से जो चीज लग जाती है उसकी अजमत ही कुछ और होती है। मूसा अलैहि सलाम समंदर पर असा मारते हैं, 12 रास्ते जारी हो गए, सूखे रास्ते समंदर पर। मूसा अलैहि सलाम अपने अहले ईमान उम्मतियों को लेकर निकल पड़े। फिरौन अपने लश्करियों को लेकर मुकाबले के लिए आया था, उसने कहा मूसा के पीछे चलो, पकड़ो इनको किसी तरह। वो अपनी फौज को समंदर में वही रास्तों में डाला। अल्लाह फरमाता है हमने समंदर को जैसा था वैसे मिला दिया, समंदर में वो हमेशा के लिए अपनी पूरी फौज समेत गर्क हो गया, हमेशा के लिए मर गया। किस चीज से मारा अल्लाह ने उसको, पानी से मारा, जबकि पानी की कोई हैसियत नहीं समझी जाती, बहुत हल्की चीज, लेकिन अल्लाह जब उसे जोश देता है तो यही पानी कभी सुनामी बन जाता है, यही पानी कभी फिरौन को हिलाक करता है। अल्लाह ताला छोटी ताकतों को भी जब चाहे बड़ी कुव्वत अता करता है। मेरे अजीज मूसा अलैहि सलाम इस फिरौन से नजात पाकर अपनी पूरी कौम को लेकर मैदाने तीह के करीब आए। फिर उसके बाद बहुत सारे मूसा अलैहि सलाम के वाकयात हैं, इनमें से जो चीज़ें हमें सीखनी हैं वो यही है, फिरौन की जिंदगी जिसको अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए रांदे बारगाह किया, बल्कि कई सालों के बाद समंदर ने भी उसकी लाश को उठाकर बाहर फेंका, उसकी लाश को बाहर उठा करके फेंका, और उसकी लाश जहां जहां रखी जाती थी उड़ जाती थी, न कब्र में कहीं पर भी नहीं, तो उठा करके कुछ लोगों ने वैसी जो मम्मी बनते हैं उसमें रखे पिरामिड्स, कई सालों के बाद वहां से निकाल करके मिस्र वाले अभी म्यूजियम में रखे हुए हैं। मिस्र में कायरो सिटी है, इजिप्ट में, वहां पर अभी भी नुमाइश के लिए रखे हैं। बेचारे मिस्री लोग उस मुर्दे को दिखाने के लिए 1000 पाउंड लेते हैं, हाँ 1000 पाउंड तकरीबन 100 पाउंड तकरीबन इंडिया के 1000 रुपये के करीब या 800 रुपये के करीब कुछ हो जाता है, तो उसको दिखाने के इतने पैसे लेते हैं, वो मुर्दा से वो अभी भी खा रहे हैं। खैर उनकी अपनी जिंदगी है। तो फिरौन की लाश को रखा और कुरान में अल्लाह ने फरमाया फल योम नुनजी का भी बदनिक ली तकून लिमन खल्फक आया, हम तेरे जिस्म को वैसे ही रखेंगे ताकि तेरे बाद आने वालों के लिए इबरत बन जाए, लोग उसे देखें। मियाँ यहाँ तो आज लोग इंटरटेनमेंट के लिए देखने जाते हैं, तुम्हें मालूम नहीं उसके ऊपर कितनी लानतें बरस रही है, क्या क्या उस पर अजाबात हैं। ये फिरौन की लाश को अगर कोई देखता है तो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, हंसी मजाक के लिए, तफरीह कल्ब के लिए नहीं, बल्कि इबरत हासिल करो। एक वक्त ये कहता था मैं सबसे बड़ा रब हूँ, आज ऐसा सोया है कि लोग उसे जब साल में एक बार मसाला लगाते हैं तो पैरों से हाथों से जिस तरह से भी उसकी जिस्म के साथ जिंदगी भर, बल्कि दुनिया में कई हजार साल गुजर गए, यही हो रहा है, यही हो रहा है। अजीजा ने गिरामी अल्लाह ताला की बारगाह में जिसने भी सर उठाया मौला ने उसकी सर को भी बहुत अच्छी तरह से फरमाई, आज घबराने की जरूरत नहीं। कुछ जालिम इस तरह से अगर सर उठाते हैं इस्लाम के खिलाफ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ या अहले ईमान के खिलाफ, इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो। ए रब्बे जुल जलाल, फिर से कोई फिरौन आया है और अपना सर उठाने की कोशिश कर रहा है, अल्लाह ताला गैब से ऐसा इंतजाम फरमाएगा कि इनकी सारी ताकतें एक साथ भस्म होकर रह जाएंगी। बस शर्त यह है कि तुम ईमान वाले बन जाओ ताकि रब ताला के हुजूर अपने हाथ तो फैला सकें। अल्लाह फरमाता है वला तईनु वला तअज़नु वअंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे बुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। दूसरी जगह आज ही हमने पढ़ा है कुरान में 21वें पारे में मौला फरमाता है वकान हक्कन अलैना नसरुल मुमिनीन, मौला फरमाता मैंने तो अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मदद करेंगे तो सिर्फ ईमान वालों की मदद करूंगा। अल्लाह फरमाता है
मैं सिर्फ ईमान वालों की मदद करूंगा, तो फिर आज मदद क्यों नहीं आ रही? शायद हमारा ईमान मुतजलजल है, कमजोर है। एक बार फिर से तौबा करो अपनी तमाम बुराइयों से, मौला के हुजूर अर्ज करो, तुम्हारे हाथ नीचे होने से पहले मौला गैब से मदद नाजिल फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की जिंदगी अता फरमाए, ईमान पर मौत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।